देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र में जमुई सांसद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पहुंचे थे, जहां उन्हें देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए और उन्हें सुनने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ का हुजूम जुट पड़ा था। तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्रों में जाकर चिराग पासवान ने महागठबंधन की सरकार को ललकारा है और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार पर सवाल उठाए हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों से यह भी कहा है कि ये सारे मुद्दे तब खत्म होंगे जब आप चिराग पासवान का साथ देंगे। आपको भी चिराग पासवान बनना पड़ेगा, यहां मौजूद हर एक इंसान को चिराग पासवान बनना पड़ेगा, तभी जाकर बिहार आगे बढ़ पाएगा, बिहार विकास के रास्ते पर चल पाएगा। तेजस्वी यादव के क्षेत्र में ही चिराग पासवान ने महागठबंधन की सरकार को ललकारते हुए तेजस्वी को भी कड़ी चुनौती दे डाली है। उनके विधानसभा क्षेत्र पहुंचकर तेजस्वी को यह बताने और जताने की कोशिश की गई है कि चिराग पासवान क्या दमखम रखते हैं, क्या ताकत रखते हैं और एक बड़ी संख्या में लोग उनके समर्थक हैं, एक बड़ी भीड़ उनके साथ है। चिराग पासवान ने हाजीपुर के बिदुपुर पहुंचकर बाबा चौहरमल की जयंती पर क्या कुछ बोला, साथ ही साथ मुख्य रूप से सरकार पर किस तरीके से बेरोजगारी को लेकर हमला बोला है, तेजस्वी यादव को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, छोड़े जाते उनकी पूरी बातों के साथ। सबसे पहले मदन पासवान जी, संजय पासवान जी, शंकर पासवान जी, मुद्रा पासवान जी, अखिलेश पासवान जी, अध्यक्ष पासवान जी, बस इतना कहने आप लोगों से आ रहा हूं, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का एक नंबर